बाबा इस घर को अच्छे से जानते नहीं, वरना ऐसी बात कभी नहीं कहते। वो कभी इतनी गलत बात नहीं कह सकते। उन्होंने जो कहा आज भी मेरा सरप्राइज फेल हो गया। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया में तुम्हें सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकूँ। दिन में मिलियन टाइम्स तुम्हारे बारे में सोचकर मैं स्माइल करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा हो जिसे देखकर तुम मेरे बारे में सोचो और तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाए। हबीर, आई विश मैं तुम्हारे बाबा को ला पाती। आई विश मैं उन्हें अभी के अभी ले आती। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ कोई एक दिन सेलिब्रेट नहीं करना, मैं दिन का हर एक सेकंड तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अबीर। मैं जानती हूँ साल के 365 डेज सारे मेरे हैं, क्योंकि मेरे भी हर एक दिन पर तुम्हारा नाम लिखा है। अबीर, आज मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने वाली हूँ, इसलिए प्लीज उनके सामने कोई अजीब हरकत मत करना। आई नो आज तक मेरा भूत नहीं मिल रहा था उनसे, लेकिन वो अब तक सिर्फ तुम्हारी फैमिली थी और आज वो मेरी फैमिली होने वाली है। अगर आज के बाद किसी ने तुमसे गलत तरीके से बात की, ऊंची आवाज में बात की या फिर बदतमीजी की ना, तो उसे मेरा एंग्री वायलेंट अवतार देखना पड़ेगा। अबीर, आई प्रॉमिस मैं हमेशा वही निकलती रहूंगी जिससे तुमने प्यार किया था। इष्टी, तुम मुझसे हर रोज वादे करती रही और मैं गलत हूं। इष्टी, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं सब कुछ करूंगा, वादे करूंगा भी और निभाऊंगा भी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। मैंने जिसके बारे में बात की उसके बारे में कुछ सोच पाया? उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाया बाबा। आप सही कह रहे थे, इस घर में इष्टी को वो इज्जत वो रुतबा कभी नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। लाइफ कोई फिल्म नहीं है, इसमें शादी हो गई तो सब खत्म। ये लाइफ में तो जिंदगी शादी के बाद ही शुरू होती है, और मैं सब कुछ जानते हुए इष्टी को इतनी बुरी लाइफ नहीं दे सकता। मैं जानता हूं बेटा। बाबा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में इष्टी और मेरी फैमिली के बीच में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन जा बेटा, इष्टी से मिलने जा, मना उसे। जी बाबा।
प्यार में पहली लड़ाई बहुत दर्द देती है, पर प्यार की पहली लड़ाई बहुत कुछ समझा भी देती है। अगर आपको लगता है कि दर्द हद से ज्यादा है तो ये वास्ता यही तोड़ देना अच्छा है। ये लोग ना कुछ भी बोलते रहते हैं दीदी, ये लीजिए। अब झगड़े तो होते रहते हैं ना, मैं तो अपनी परी से एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता। अगर परी से प्यार करती हूँ तो उसका ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उसे झूठ मत कहना, नहीं तो परी उड़ जाएगी। दीदी हो गया? हाँ, दिल भर गया। थैंक यू। मुझे लगा था तुम यहाँ होगी, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चला है। अब समझ रहा हूँ शायद तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो। प्यार की पहली चोट है, थोड़ी देर लगेगी भरने में। गुस्से का पहला सूरज है, लेगा थोड़ा वक्त उतरने में। खबर नहीं थी ऐसा होगा, यार मेरा जब रूठेगा। तेरे गुस्से के हर लम्हे में 100 बार मेरा दिल टूटेगा। जब तक तुम्हें सच को नहीं मान लेते तब तक मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे वर्षा भाभी, जब से आप अबीर के बर्थडे से वापस आई है ना, मैं देख रही हूँ कभी आपसे दाल में नमक ज्यादा पड़ जाता है तो कभी बहुत कम। और मैं जानती हूँ ये तब होता है जब आप परेशान होती। अब जल्दी से मुझे बता दो कि आखिर हुआ क्या है भाभी। जसमीत कुछ नहीं, वर्षा आंटी भी सबसे सच छुपा रही हैं, इसलिए इतनी परेशान है। अगर मैंने भी सच नहीं बताया तो मुँह के बारे में सब सच जानना वर्षा आंटी का हक है, मैं उनसे छूट कैसे बोलूं? अरे वर्षा भाभी बोलो ना, मुझे तुम आंटी मिष्टि आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जसमीत तू दाल चढ़ाते, मैं आती हूँ। भाभी मेरी दाल इतनी जल्दी नहीं गलने वाली। जसमी मुझे इससे अकेले में बात करनी है, तू जाना। ठीक है भाभी, आज तो ना मैं काली दाल ही बनाऊंगी। हाँ बोल बात क्या है। आंटी कल रात को पुहू और कुणाल का झगड़ा हो गया था। क्या? हेलो बोलना, बात क्या है? अरे कुहू, हाँ हाँ तेरी मम्मा यहीं पे है। वो क्या है ना कि वो किसी के साथ इतने ज्यादा बिजी है कि उन्होंने मुझे कह दिया जाकर दाल चढ़ा ले। तू खुद बता, मैं ही का। जसमीत गुहू का फोन है ना? हाँ भाभी ला मुझे। हेलो गुहू। व्हाट्स अप मम्मा? बेटा मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? मैं हॉट क्यूट एंड सुपर फन, हैशटैग गुहू इज द बेस्ट। पर एक्चुअली आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ। क्यों? रॉन्ग आंसर, आपको कहना चाहिए क्यों नहीं। अरे नवरात्रि का समय मामा, जिस टाइम पे देवी घर आती है आप अपनी बेटी को घर आने से रोक रहे हो, आप चढ़ेगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरा अपना घर है, मैं क्यों मना करूंगी तुझे आने से। तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि सब ठीक है ना। ओह गॉड, कुहु ने मुझसे कहा था कि ये बात बताने का राइट सिर्फ उसका है, शायद वो घर आके खुद आंटी को बताना चाहती है। आंटी एक मिनट। हेलो कुहू, आना है तो जल्दी आना, इतना विलंब क्यों दे रही है? वैसे भी आंटी तेरा कितना इंतजार कर रही है, जल्दी आ। आंटी आप भी ना, कुहू इतने दिनों बाद घर आ रही है और आप उससे ऐसे इंटरोगेशन कर रही हैं। तू ही तो कह रही थी कि कुहू और कुणाल का झगड़ा हुआ था। हाँ कहा था, लेकिन ये पूछे कि किस बात पे झगड़ा हुआ था। हाय किस बात पे? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, पर एटलीस्ट कुहू आकर सबको खुद सच तो बता पाएगी। थैंक गॉड कुहू ने घर आने का फैसला कर लिया।
भाई वो अभी नहीं करना। सॉरी ब्रो। I'm sorry ब्रो। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैंने वो ईमेल्स भेजे थे। इश्तिक को क्या क्या सुनना पड़ा, तुम्हें कितना बुरा लगा। ईमेल्स के लिए किसे सॉरी बोलना चाहिए हम दोनों अच्छे से जानते हैं। एक बात पूछूं? तुम ऐसी बात के लिए मान कैसे गई? # doesn't matter bro। अब तो तुम्हारा भाई मुझे डाइवोर्स दे रहा है ना, अब तो तुम भी मुझे ब्रो नहीं कहोगे। ए ए देखा, हमारी फ्रेंडशिप सिर्फ कुणाल की वजह से नहीं है। आके जो भी हो यार, I'm gonna be always there for you। जब भी कुछ भी जरूरत हो प्लीज बता देना। तुम्हारा नान को भी चला गया, अब ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। I know, मिस्टी और तुम्हारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसीलिए जब उसने तुम्हें साथ चलने के लिए कहा तो तुमने मना कर दिया। # सिस्टर्स बॉयफ्रेंड जैसी बातें करना बंद कर। यार मैं मिस्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सच की साइड ले रहा हूँ। मिस्टी सच कह रही थी ना, तुम्हें क्या जरूरत है कुणाल के कहने पे वो सब करने की, उसकी हर बात मानने की, उसकी हर गलती पे पर्दा डालने की। कम ऑन को, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, आज की लड़की हो, सही गलत समझती हो, फिर तुम उसे अपने ऊपर इतनी पावर क्यों दे रही हो? बात पावर की नहीं है ब्रो, मुझे लगा था कि बदल जाएगा। क्योंकि जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी दुनिया में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसकी बहुत लकी है तुम्हारे जैसा। प्लीज अब अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। अगर तुम अपनी किस्मत को कोसोगी ना, तुम्हारी किस्मत तुम्हें कोसती रहेगी। खुद में बिलीव करो, ये मानो कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करती, उसके बाद सोचो क्या करना। I will try. Great. Big bro, तुमने मेरे दिल की बात सुनी है, मैं भी तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूँ। #IOU। इस वक्त हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसे अगर मेरे बारे में बात करना शुरू करेंगे ना, सदियों तक बात करते रहेंगे। मैं हूँ इतना औसम, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारे बारे में। बोल। मैं एक बात कहूँ? मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, आप देखिएगा जो आपने कहा है ना, हम दोनों ऐसे जाएंगी और ऐसे रिटर्न आएंगी। किसी और को तो क्या, आपको खुद को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हाँ निधि जी, निधि हर बार समझ लेना को अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। पर बहन भा, अभी जो आपने मुझे बताया है ना, ये मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। ले चिट्ठी बाद में। अरुण जी, अरुल पक्का मुझे उस हार के बारे में नहीं पता, पर तुम दोनों वहां ध्यान से जाना। जा। भाई बहन आकर कर ही आएंगे वापस। को? तुम कहाँ जा रही हो बेटा? तुम घर जा रही है? क्यों जा रही है ये आप कुणाल से पूछ सकते हैं। हाँ वैसे माँ को भी पता है। अबीर क्या बात है कुहू? बाबू कुछ दिनों से घर की बहुत याद आ रही थी, और अभी दशहरा भी है ना, तो सोचा हुआ थोड़े दिन के लिए तो जा सकती हूँ ना। क्यों नहीं, तुम्हारा घर है तो तुम कभी भी जा सकती हो।
पर सच बताओ, क्या यही एक वजह है? क्या हो रहा है? पापूजी कोहू घर जा रही है। नानू? कुछ नहीं हुआ नानू। नानू मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। हैशटैग प्रॉमिस। हैशटैग प्रॉमिस। खुश रहो। मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। चल को। कुणाल। कुणाल कोहू के बीच कुछ तो हुआ है, पर क्या? मैं आधा झूठ बोलती हूँ और ये लोग पूरा समझते हैं। सबको लगता है कोहू वहाँ कितनी खुश है। मुझे तुमसे बात करनी है मिष्टी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो बस थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल लो, सिर्फ 5 मिनट। उसने अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं किया। I'm sorry, कुहू। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। है ना? अगर मैंने कुछ बातें नहीं छुपाई होती तो ये सच शायद बहुत पहले सामने आ जाता। नहीं ब्रो, ये तो पहले ही सामने आ चुका था। What? कब? शादी वाली रात ही कुणाल ने मुझसे कह दिया था कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं, पर मैं ही नहीं गई। ना मैंने अपने घर पे किसी को बताया और ना ही तुम्हारे घर पे। तुम घर वापस क्यों जा रही हो ये तो तुमने आज भी किसी को नहीं बताया, क्यों? कहते ना प्यार अंधा होता है। अंधी हो गई हूँ मैं कुणाल के प्यार में। सच तो ये कि मैं अभी भी होप करती हूँ कि कुणाल को ये बात रियलाइज हो जाए कि वो मुझे छोड़कर बहुत गलत कर रहा है। तुम्हें अभी भी उम्मीद है? उम्मीद? दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स ना इसी फीलिंग की वजह से होती हैं। मतलब? मतलब ये कि कुछ रिलेशनशिप होते ही कर्स है, जैसे कि ऊपर से किसी डायन टाइप का शराब हो। आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा होता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट है, फिर भी आप होप नहीं छोड़ते। आप होप करते रहते हो कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हो जाएगी, लेकिन कैसे कैसे ठीक होगी जब जब रिश्ता ही गलत है। सॉरी, लेकिन अगर मैंने इन सब से कुछ सीखा है तो वो ये कि अपनी लाइफ के साथ कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। जब क्लियरली आपको दिख रहा हो कि किस्मत ही गेम जीतेगी और आप हारोगे, तो आपको हार मान लेनी चाहिए। आज तक गिव अप। हम जो करने जा रहे हैं लोग हम पे उंगलियां दो उठाएंगे। बस यही याद रखना है अदीर कि ये लड़ाई अपनों से है और अपनों को हराया नहीं जाता। हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुरानों को तोड़ेंगे नहीं। ये घर प्यार का मोल नहीं समझता, ये तुम्हें और निष्ठी को कभी नहीं मिलने देंगे। आज मैंने जानबूझ के बरशांति से झूठ बोला, एक माँ से झूठ कहा कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हबीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी फैमिली से इसलिए झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई, और ये तो पहली बार है। जैसे हमारी किस्मत है शायद सब बार बार होगा। नानू हमेशा कहते हैं, आदमी कितना भी लड़ ले अपनी किस्मत से नहीं जीत सकता, फिर मैं कैसे जीतूंगा? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।